नीतीश कुमार भीड़ देखकर हुए गदगद, बोले कि अनुमान भी नहीं था कि इतना भीड़ होगा। दरअसल रविवार को जेडीयू ने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के नेतृत्व में पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में भीम संसद का आयोजन किया गया। यह भीम संसद जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। ऐसे में अशोक चौधरी समेत पूरी पार्टी ने इनको सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। इस कार्यक्रम में पहुंची भीड़ को देखकर पार्टी नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी उत्साहित दिखे। सीएम नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसा भीड़ की उम्मीद नहीं थी, आज मैदान छोटा पड़ गया, आगे से ऐसा रैली गांधी मैदान में होनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, इस भीड़ को जरा केंद्र सरकार को भी दिखा देना चाहिए ताकि वो समझ सके कि सिर्फ प्रचार करने से कुछ नहीं होता है। आइए थोड़ा हम पीछे चलते हैं। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ने और नीतीश कुमार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ दिए बयान के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। एनडीए के नेता देश भर में मांझी के बहाने नीतीश कुमार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाकर निशाना साध रहे थे। ऐसे में जेडीयू ने भीम संसद का आयोजन कर न सिर्फ दलितों को मैसेज देने का कोशिश की, बल्कि अपने सहयोगियों के साथ साथ विरोधियों को भी साफ साफ बता दिया कि आज भी नीतीश कुमार ही दलितों के सबसे बड़े नेता हैं और वही दलित समाज के लिए आगे भी बेहतर कदम उठाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जो ये बैठक कर रहे हैं, क्या दलित समाज के लोग इनको वोट देंगे या फिर नहीं, क्योंकि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दलित के बड़ा नेता हैं, ये बड़ा मुखड़ा है। कोई कोई तो ये भी बोलता है कि नीतीश कुमार स्वर्णों का राजनीति करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आरक्षण किसके लिए, 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण जो किया गया है वो किसके लिए, नीतीश कुमार किसके लिए किए, ये तो सोचने वाली बात है। खैर जो भी हो, नीतीश कुमार के मन में ये चल रहा है कि स्वर्णों का वोट हम रखें और बाइकोडो का भी वोट हम ही रखें। क्या नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर खत्म होने वाली है, ये हम नहीं चिराग पासवान बता रहे हैं कि जेडीयू पार्टी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। खैर जो भी हो, नीतीश कुमार को तो राजनीतिज्ञ मानना पड़ेगा, बिना लड़े 18 सालों से विराजमान है कुर्सी पर।